कि आप जिस परिवार को बदनाम करना चाहते हैं उस परिवार के देन है कि इस देश में एक लोकतंत्र स्थापित है और जिस लोकतंत्र के तहत एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री हो जाता है, यही हम लोग जमहूरियत और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किए हैं, उस लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम नहीं करें। यही जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसके दूसरे दिन छापेमारी होती है, तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ नहीं चलनी चाहिए। हम लोग विरोध भी करने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि आप स्वतंत्र संस्था हैं, आप संवैधानिक संस्था, अपनी गरिमा को बचाइए। और ईडी का काम है जब भी कोई कार्रवाई करे तो शाम में डेली प्रेस ब्रीफ करे कि हाँ ये आज हमने पकड़ा है, कल हम ये करेंगे। क्यों नहीं आज तक प्रेस ब्रीफिंग हुई? 13 जून को देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और वजह स्पष्ट है। वजह यह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को समन किया गया है और 13 जून को उनकी पेशी है ईडी के सामने। हमारे साथ राजेश ठाकुर हैं, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या भरोसा नहीं है केंद्रीय एजेंसियों पर? नहीं, देखिए केंद्रीय एजेंसियों की जो हरकत है वो ये बताती है कि भाजपा छोड़ के जितने भी दल के लोग हैं उनकी छवि को धूमिल किया जाए, उनको परेशान किया जाए। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। और ये मामला जो पहले नेशनल हेराल्ड का था वो क्लोज हो चुका था और बाद में फिर खोल करके इस तरह किया था। आपने देखा बंधु तिर्की जी का मामला किस तरह से, और जो सीबीआई ने पकड़ा है वो भी आप सब देख रहे हैं। अभी फिर से छापेमारी की गई, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसके दूसरे दिन छापेमारी होती है। तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ नहीं चलनी चाहिए। और ये हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग विरोध भी करने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि आप स्वतंत्र संस्था हैं, आप संवैधानिक संस्था, अपनी गरिमा को बचाइए। उनको भी गुहार लगाने जा रहे हैं कि आप किसी राजनीतिक उसमें मत पड़िए, पचड़े में। आपका काम राजनीति से करना नहीं है और राजनीतिक लोगों को परेशान करना नहीं है, आपका काम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है। अब भ्रष्टाचार का आलम देखिए, जहाँ पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई हम लोगों ने समर्थन किया, हम कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप एक दिन खबर दिखाते हैं 25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, दूसरे दिन ईडी कहती है कि नहीं 19 करोड़ है, तो ये 6 करोड़ का जो गैप है ये कौन देगा, ये कैसे आता है ये गैप? और अगर ऐसी बात नहीं थी तो उनको खंडन करना चाहिए था रात में कि नहीं इतना रुपया नहीं पकड़ा गया है। तो ये जो कार्रवाई चलती है, ये कार्रवाई जहाँ पे भी हो, तरीके से हो, सही तरीके से हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हम संवैधानिक संस्थाओं और तमाम केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करते हैं। आप बात कर रहे हैं झारखंड में जो पूजा सिंघल के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई, और मीडिया रिपोर्ट्स में क्या खबरें छप रही है? ईडी की तरफ से तो कोई ना ट्वीट किया गया ना पीसी किया गया है अब तक, तो आप मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कैसे आ पा रहे? बिल्कुल नहीं, उनको खंडन करना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर उनके हवाले से कोई खबर चल रही हो तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? आप छापेमारी कर रहे हो, आप बता रहे हो, और सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से, तो सूत्रों के हवाले से उनको उसी दिन शाम में खंडन करना चाहिए था कि नहीं। और ईडी का काम है जब भी कोई कार्रवाई करे तो शाम में डेली प्रेस ब्रीफ करे कि हाँ ये आज हमने पकड़ा है, कल हम ये करेंगे। क्यों नहीं आज तक प्रेस ब्रीफिंग हुई? तो हम समझते हैं ये तरीका होना चाहिए। अगर आप कोई संस्था है और उसकी एक गरिमा है तो उस गरिमा का ख्याल करते हुए जब भी इस तरह की कोई बातें आए आप तुरंत खंडन कीजिए ना। प्रेस तो आपके 24 घंटे आपके दरवाजे पे खड़ी है, ईडी के दरवाजे पे होती है। क्यों नहीं आप सामने ब्रीफ कर देते कि नहीं ये इतना पाया गया है, ये चीज़ें प्राप्त हुई है? अगर ये नहीं होता है तभी लोगों को बोलने का मौका मिलता है। हम समझते हैं कि लोगों को बोलने का मौका ना मिले और जो ये केंद्रीय एजेंसियाँ हैं इन पर भरोसा बना रहे, तो थोड़ा तरीके से काम करना होगा और उसी की गुहार हम लोग लगाने जा रहे हैं। देखिए सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करने का मामला जो है, ऐसा पहली दफ़ा नहीं है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल एजेंसियों पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी उस समय भी सीबीआई को तोता बोला गया, कई दफ़े यह आरोप लगाया गया कि विपक्ष के लोगों पर जो है अपने हिसाब से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। सवाल यह है कि क्या आप लोग अब जागे हैं तब जबकि राहुल गांधी को समन कर दिया गया है, सोनिया गांधी को समन कर दिया गया है, तो क्या आप लोग शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग तो हमेशा बोलते रहे कि स्वतंत्र एजेंसी। नहीं नहीं, हम लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि स्वतंत्र एजेंसी का जो
काम है उसको स्वतंत्रता के साथ करे, वो जब गुलाम बन रहा है तब हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया है। ये सही आपने कहा कि कई बार कई बातें उठी है, लेकिन आप हाल के दिनों में देखेंगे, अगर पिछले 2-2.5 सालों में, मैं पिछले 7 सालों का भी नहीं कह रहा हूँ, पिछले 2-2.5 सालों में इस तरह की, चाहे आप देखिए TMC की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, केजरीवाल जी की बात हो और अन्य लोगों के, क्यों CM के ऑफिस पे आप दबाव बनाते हैं, क्यों वहाँ छापेमारी करवाते हैं? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ वही है? क्या प्रधानमंत्री दफ्तर में नहीं है? अगर है सभी जगहों पे, तो सभी जगहों पे बराबर तरीके से, क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है? अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अगर आप इस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार हर जगह है तो हर जगह कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर के कोई कार्रवाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को कब ये लगने लगा कि ED जो है एक गुलाम है सेंट्रल गवर्नमेंट की? क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से जो है झारखंड में कार्रवाई चल रही है ED की, और लगातार ED जिस तरीके से, जिस दिशा में काम कर रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके आसपास के लोगों तक पहुंच रही है ED की टीम, तो उस समय जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जवाब आया, जो बयान आ रहा था, वो ये लग रहा था कि ED काम कर रही है और भ्रष्टाचार में जो है कांग्रेस साथ में नहीं है। इवन आपका जो एक बयान था उसमें यही था कि हम लोग सरकार बनाए हैं बेहतर गवर्नेंस देने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार के मामले में हम लोग साथ खड़े हैं। अब क्या राहुल गांधी के समन के बाद आपको लगने लगा कि ED गुलाम है? पहले क्यों नहीं लगा? नहीं, देखिए आप संदर्भ चेंज नहीं करें। संदर्भ वो था कि छापेमारी हो रही थी, पैसे पकड़े गए थे, तो ऐसे में क्या ये कह देना कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है। हम तो उस टाइम भी कह रहे थे कि जो भी काम हो ईमानदारी से हो, हमने उस टाइम भी कहा था कि प्रेस ब्रीफिंग होनी चाहिए और उनको रोज़ बताना चाहिए कि क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी को घेरने का सवाल है, हम लोग उसका भी लगातार विरोध करते आए हैं। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से, उन्हीं को नहीं, हमारे मंत्रियों को भी घेरने का प्रयास चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। कोई छोटे से छोटे मामले में आप उन पर ED का वो कराना चाहते हैं तो ये गलत है। देखिए हम लोग इसलिए नहीं विरोध कर रहे हैं, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब एक मामला क्लोजर हो चुका, आप दोबारा खोल करके आप सिर्फ छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको कहीं ना कहीं जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी से इनको डर लगता है, इसलिए इस तरह के छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जिस देश में जिसने अपने बाप को खो दिया, जिसने अपनी दादी को खो दिया, अगर उस पर भी अब सवाल उठेंगे तो निश्चित रूप से दुखद समय है। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि आप जिस परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, उस परिवार की देन है कि इस देश में एक लोकतंत्र स्थापित है और जिस लोकतंत्र के तहत एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री हो जाता है। यही हम लोग जमहूरियत और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किए हैं, उस लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम नहीं करें। यही हमारी आज भी गुजारिश है। हम बराबर कहते हैं प्रधानमंत्री जी इस तरह का कोई काम मत कीजिए जिससे लोकतंत्र कमज़ोर हो, देश कमज़ोर हो। ये सही है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, वो राहुल जी ने स्वागत किया है, राहुल जी तो उस सम्मान का सम्मान कर रहे हैं, जा रहे हैं, अगर हम उनके समर्थन में एक प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो करना चाहिए। चाहे किसी भी नेता को अगर अपने नेता पर विश्वास है और उसे लगता है कि मेरे नेता ने ऐसा नहीं किया है और देश के लोगों को विश्वास है, तो निश्चित रूप से वो विरोध करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप राजेश ठाकुर को सुन रहे थे जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इनका यह आरोप है जो कि आपने बातचीत में सुना कि केंद्र की मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के नेताओं पे हमला कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। इस तरीके का काम लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम रांची में। सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनु एवं नगरा टोली रांची। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in